क्या दोस्तों आप अपने गूगल पे में SBI बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो देखते रहिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों अगर आप गूगल पे में बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो SBI का हो या फिर कोई भी बैंक अकाउंट हो, तो आप इसे कैसे ऐड कर सकते हैं, तो बने रहिए जानने के लिए पूरे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जसविंदर और आप देख रहे हैं कुछ नया सीखे चैनल। तो बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गूगल पे एप्लीकेशन खोल लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो होगी, इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट मेथड का, उसके नीचे आपको यहाँ पे टैप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट। तो जैसे ही इसके ऊपर आप टैप करेंगे यहाँ पे आपको बैंक की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो भी आपकी बैंक है उसके ऊपर टैप कीजिए। वहाँ पर आपको आपका नंबर और आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टार्ट पे टैप करना है। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको जो आपका डेबिट कार्ड नंबर है, जो लास्ट के जो 6 डिजिट नंबर होते हैं, वो यहाँ पे डालने हैं, और उसके बाद में आपको उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो फिर आगे हमेशा देखते रहें। और दोस्तों अभी तक आपने गूगल पे को यूज़ नहीं किया है, तो आपको आई के बटन में वीडियो मिल जाएगी। मैंने वहाँ पर पूरा उसमें बताया है कि गूगल पे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे उसमें रजिस्टर करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी जो डिटेल है वो डाल देते हैं, जैसे कि अपना डेबिट कार्ड जो लास्ट डिजिट नंबर होते हैं वो, और यहाँ पे अपनी एक्सपायरी डेट। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको अपनी UPI पिन बनानी होगी, जो कि अगर आपने पहले कभी UPI पिन यूज़ की है तो आप उसे ही यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप एक नई क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आपको एक OTP आ सकता है, OTP को आप यहाँ पे डाल दीजिए। OTP को डालने के बाद में अब आपको यहाँ पे आपकी जो पिन का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे अपनी पिन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक OTP आ गया है, और OTP में हम यहाँ पे डालेंगे। OTP हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, और आप भी किसी को शेयर मत कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लैक कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डेमो दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी आपकी UPI ID, UPI पिन आप जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप बना सकते हैं। बनाने के बाद में जो भी आपकी जो आपने जो पिन अपनी जनरेट की है वहाँ पे उसमें टाइप करके यहाँ पे ओके पे टाइप कर दीजिए। दोस्तों अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी UPI पिन जो है जनरेट कर ली है, और यहाँ पे ये प्रोसेस है जो चालू हो चुका है। अब देखते हैं हमारा बैंक अकाउंट इसमें ऐड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अकाउंट एडेड। तो यहाँ पे देखिए हमने SBI सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे SBI हमारा बैंक इसमें ऐड हो चुका है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं, और यहाँ पर जो भी आप अकाउंट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, और नीचे आपको प्राइमरी पे ऊपर क्लिक करना है, और वो आपका जो प्राइमरी अकाउंट है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहते हैं कि अगर आपके जो पैसे हैं, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, एक ही बैंक में हो, तो आप इसे प्राइमरी पे सेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप फिर से देख सकें। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक यूनिक UPI ID हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो हमें आपको पसंद है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके की आप UPI ID कैसे बना सकते हैं, हम ये जानेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक सीखते रहिए और देखते रहिए कुछ नया सीखें यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जय हिंद, वंदे मातरम।